good morning students. hope and pray. you all are quite fine. well, today we shall read the next chapter. that is chapter 13, Ka paid. yes, you have heard rightly. Ka paid. the tree of money. so you are surprised that how it can be. okay, let's first read the chapter. then we shall find out the secret of getting lots of money chapter 13 paison ka ped page number 107 first let's read the introductory lines हम सभी जानते हैं कि पैसों का कोई पेड़ नहीं होता पैसा कमाने का एकमात्र रास्ता है कठिन परिश्रम पैसों का पेड़ उगाने का ख्याल आना ही अपने आप में एक सपना है पात्र परिचय मींस इंट्रोडक्शन ऑफ द कैरेक्टर्स चुनमुन मम्मी पापा चुनमुन के दोस्त रामू का माली द गार्डनर पहला दृश्य सुबह का समय अभी कुछ दिनों से चुनमुन की माली काका से खासी दोस्ती हो गई है खासी दोस्ती मीन्स अ गुड फ्रेंडशिप इसलिए बात बात में उसे माली काका को पुकारना अच्छा लगता है चुनमुन अरे माली काका हमारी क्यारी में भी फलों के नए पौधे लगाओ क्यारी मीन्स फ्लावर्स uh, और प्लांट्स बेड्स और यू कैन से स्मॉल पार्टिशंस फॉर डिफरेंट प्लांट्स इन द फॉर्म्स सो चुनमुन कह रहा है माली से अरे माली काका हमारी क्यारी में भी फलों के नए पौधे लगाओ लगाओ फूलों के और जरा इन पौधों में पानी दो पानी भूल गए क्या कुछ देर बाद रामू काका आपने बहुत दिनों से खाद तो डाली ही नहीं इसलिए पौधे जल्दी जल्दी बड़े नहीं होते देखिए कितने छोटे हैं अभी तक ज्यादा फूल भी नहीं आए रामू काका हंसते हुए अच्छा लगा रहा हूँ अभी पर इनकी देखभाल का जिम्मा तुम्हारा रहेगा जिम्मा मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी चुनमुन उत्साहित होकर मीन्स विद एक्साइटमेंट ठीक है रामू काका ठीक है चुनमुन अपनी फूलों की क्यारी के पास टहलते हुए मन में मगन है क्यारी में सुंदर सुंदर गुलाब चंपा चमेली चांदनी और गुड़हल के फूल उगे हैं चुनमुन अपने आप से आहा कितने सुंदर फूल हैं? सचमुच आखिर फूलों में इतने रंग आते कहाँ से हैं धरती का तो एक ही रंग है मटमैला मीन्स मिट्टी जैसा लाइक द कलर ऑफ सॉइल भूरा सा ब्राउन फिर ये लाल पीले गुलाबी संतरी सफ़ेद फूल सुबह सुबह जिद ठान कर पापा आज तो पौधों में पानी मैं दूंगा पापा मुस्कुराते हुए ठीक है पर माली काका से पूछ लो कितना पानी देना है कैसे देना है क्योंकि ज्यादा पानी देने से पौधे गल जाते हैं और कम पानी दो तो प्यासे रह जाते हैं चुनमुन खुश होकर अच्छा पापा मैं पूछ लेता हूं माली काका से चुनमुन पौधों में पानी देता है तो साथ ही उनसे बातें भी करता जाता है चुनमुन अपने आप में मगन होकर अरे वाह गुलाब के फूल तुम तो बहुत अच्छे हो एकदम लाल सुर्ख गेंदे के पीले फूल तुम्हारा भी जवाब नहीं तुम्हारा तो रंग ऐसा है जैसे सोना हो और भाई गोभी के फूल तुम जल्दी जल्दी बड़ो ना अभी तो बहुत छोटे हो और ही धनिया तू तो बहुत अच्छी है यू ही बढ़ती रहना मेरी बहना और हंसती रहना खिल 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 चुनमुन पौधों को पानी देता है तो उसके मम्मी पापा और दीदी चुनमुन की बातें छिप कर सुनते हैं उनके लिए अपनी हंसी रोक पाना मुश्किल होता है मम्मी ये चुनमुन भी पगला है जाने कैसी कैसी बातें करता रहता है पौधों से जैसे वे उसकी बातें सुन लेंगे पापा मुझे तो लगता है जितने प्यार से वे बातें करता है उससे फूल पौधे तो छोड़ो पत्थर भी उसकी बात जरूर सुन लेते होंगे सुन लेते होंगे और खुश होकर हंस पड़ते होंगे मम्मी जोर से चुनमुन को आवाज देते हुए बेटा चुनमुन अब आकर नाश्ता कर लो चुनमुन अच्छा मम्मी आता हूं अब जब तक सुबह सुबह हर पौधे से उसका हालचाल ना पूछ ले चुनमुन का स्कूल जाने का मन ही नहीं करता दूसरा दृश्य शाम का समय चुनमुन सच्ची ये सुंदर सुंदर फूल पौधे मुझे अच्छे लगते हैं बहुत अच्छे लगते हैं घास की नरम नरम पत्तियों को हाथ से सहलाना अच्छा लगता है सोचते हुए क्या मज़े की बात है अगर मैं सारे सारे दिन बस बगीचे में ही रहूं? इधर दो चार दिनों से मम्मी चुनमुन के इस बर्ताव से बेहद परेशान हैं मम्मी अरे चुनमुन तुझे कुछ पढ़ना लिखना भी है कि नहीं लेकिन चुनमुन पर इन बातों का कोई असर ही नहीं चुनमुन टालते हुए आता हूँ मम्मी अभी थोड़ी देर में तीसरा दृश्य चुनमुन मम्मी से खूब सारे सवाल पूछता है और इधर चुनमुन के सवाल भी तो कुछ अजीब होते जा रहे हैं वह अक्सर पूछता है चुनमुन मम्मी यह तो ठीक है ना कि जैसे बीज होता है वैसा ही पौधा उगता है मम्मी हाँ यह तो तुमने ठीक कहा चुनमुन गेंदे का बीज बोएंगे तो गेंदा उगेगा और गुड़हल के बोएंगे, का बोएंगे तो गुड़हल। अच्छा मम्मी, फिर एक बात बताओ, अगर मैं पैसे बोऊं तो क्या पैसों का पेड़ नहीं हो सकता खूब बड़ा सा जिस पर चारों तरफ पैसे ही पैसे लटक रहे हों मम्मी आश्चर्यचकित होकर मीन सरप्राइज्ड क्या कह रहा है तुम चुर्मुन कुछ झिझकते हुए हैजिटेटिंग मम्मी आप ही तो कहती हैं कि घर में पैसे नहीं हैं इसलिए यह नहीं आ सकता वह नहीं आ सकता बस एक पैसे का पेड़ लगा लो ना मम्मी फिर दिन भर उस पर से पैसे तोड़ेंगे और जो कुछ भी चाहिए वह झटपट दौड़ कर ले आएंगे मम्मी ओह तू तो, तो पगला है बिल्कुल पगला कहकर मम्मी हंसती हैं चुनमुन परेशान होकर उफ, मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैंने क्या गलत कह दिया झुंझलाता हुआ हैरान परेशान सा गाल पर हाथ रखकर बैठ जाता है जैसे बहुत बड़ी चिंता में हो चुनमुन माथे पर बल डालकर आखिर क्या गलत है पैसों का पेड़ लगाने में सब पैसा पैसा चिल्लाते रहते हैं पर इतनी अकल किसी को नहीं कि बस एक पैसों का पेड़ ही लगा लें चौथा दृश्य चुनमुन को पिछले महीने जेब खर्च के लिए जो दस रुपये मिले थे उसके उसने फौरन माता दीन पंसारी के पास जाकर सिक्के ले लिए थे फिर उसने उन्हें क्यारी में बो दिया चुनमुन कल्पना की लहरों पर सवार होकर खुश होता हुआ चलो आखिर पैसों के पेड़ तो मैंने बहुत सारे बो दिए आप देखो कब कब ये बड़े होते हैं कब इन पर पैसे लगते हैं बल्कि जब मम्मी पापा के आगे परेशानी आएगी तो मैं झट पेड़ों से सिक्के तोड़ तोड़कर उनके सामने रख दूंगा और बस फिर तो हर मुश्किल खत्म हर रोज बिना नागा किए चुनमुन सुबह और शाम वहाँ पानी डालता था जहाँ उसने सिक्के बोए थे और लगातार इंतज़ार कर रहा था कि अब अंकुर फूटे अब एक दिन रितिका दीदी वहाँ आई तो चुनमुन ने थोड़ा झिझकते हुए पूछ लिया चुनमुन अच्छा दीदी यह बताओ बीज को पौधा बन पौधा बनने में कितना समय लगता है रितिका यही कोई डेढ़ दो महीने पर तू यह क्यों पूछ रहा है चुनमुन वैसे ही चुनमुन टाल गया पांचवा दृश्य आज चुनमुन का जन्मदिन है मम्मी पापा उसके लिए ढेर सारे उपहार लाए हैं और साथ ही पूरे सौ रुपए दिए गुल्लक में डालने के लिए फिर पापा को अचानक कुछ याद आया बोले पापा सुनो चुनमुन पैसों का पेड़ भी होता तो है पर वह दिखाई नहीं देता उसका बीज तो मेहनत है खूब मन से पढ़ाई लिखाई करोगे तो जीवन में खूब तरक्की करोगे मीन्स प्रोग्रेस बड़े आदमी बनोगे फिर तुम्हारे चारों ओर पैसे ही पैसे होंगे चुन्नू ने कुछ नहीं कहा चुपचाप सुन लिया उसका मन कहता था क्या पता मेरा सपना सच्ची हो जाए चुनमुन अपने आप से मेहनत तो मैं करूंगा ही खूब पढ़ाई भी करूँगा लेकिन जमीन में जो सिक्के गाड़े हैं उन्हें क्यों निकालू क्या पता वे सचमुच पेड़ ही बन जाएं? और कम से कम वे जमीन में गड़े रहेंगे तो पैसों के पेड़ को तो मैं देख ही लूँगा सोचकर चुनमुन मुस्कुरा दिया तब तक चुनमुन के दोस्त आ गए हैप्पी बर्थडे टू यू कहकर उन्होंने चुनमुन को बधाई दी चुनमुन हंसता हुआ जब जीवन में इतनी खुशियां हैं तो पैसों का पेड़ उगे ना उगे क्या फर्क पड़ता है पर्दा गिरता है सो फाइनली चुनमुन ऑल्सो एक्सेप्टेड दैट द रियल हैप्पीनेस ऑफ लाइफ इज नॉट देयर इन द ट्री ऑफ मनी एंड चिल्ड्रन द ट्री ऑफ मनी मीन्स टू गेट लॉट्स ऑफ मनी इन द इजिएस्ट वे But there is no such tree of money. Hard work is the only way to achieve your desired goal. So, my dears, keep working hard and get success in all the fields of your life. God bless. Okay, then, that's all for the day. See you soon with the back exercises of the chapter. Keep learning and stay. Cheerful always. Bye bye.